और केदारनाथ महापंथ में फंसे ट्रेकर के शव को कड़ी मशक्कत के बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने निकाल लिया है। जनपद रुद्रप्रयाग में बुधवार को ग्लेशियर ट्रेक पर पिछले 4 हफ्तों से फंसे मृत ट्रेकर के शव को जिला अस्पताल में लाया गया है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजबार ने बताया कि ट्रेकर का शव भारतीय वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 9 अक्टूबर को जिला आपदा परिचालन केंद्र के 2 ट्रेकर के महापंथ ग्लेशियर में फंसने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही DDRF, SDRF और NDRF और स्थानीय पोस्टरों और गाइड को मौके पर भेजा गया था। ज्यादा बारिश और बर्फबारी के चलते रेस्क्यू करना असंभव हो पा रहा था। कड़ी मशक्कत के बाद जिला अस्पताल उन्हें लाया गया है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल निगी की रिपोर्ट। महापन कॉल में ये लोग काफी अस्वस्थ थे, तो जिस कारण की हमको सूचना मिली कि ये अस्वस्थ हैं, तो हमने तत्काल वहाँ पर जो अपनी टीमें थी वो रवाना की। मगर रवाना करते ही हम लोग जो वहाँ पर एक इनके साथ एक लड़का और था जो काफ़ी बीमार था, उसको नीचे ले आए थे। और बाकी जो दूसरा था ये आलोक विश्वास, इसकी ये वहीं पर पहले ही डेथ हो गया था। जिला प्रशासन की मदद से यहाँ पर हेली बुलाया गया, एयरफोर्स के 2 चौपड़ थे। 28 तारीख को हमने रैकी किया, उससे रैकी करने के बाद जब डेड बॉडी सुरक्षित थी, तो उसके बाद आज हमने इसका सफल रेस्क्यू किया गया।